मतलब क्या जीना नहीं देना चाहते हो कि मायके छोड़ने के बाद भी तीसरे दिन ही फोन तो गाइस आज है 14 तारीख और नैना जी को छोड़ के आए थे हम 10 तारीख को। बोली कि मेरे को लेने आओ, मेरे को वापस आना है, मेरे को याद आ रही है ऐसा ऐसा कुछ। तो मैंने बोला ठीक है। सडनली अभी का टाइम भी हो चुका है, 6:15 हो चुके हैं और 6:15 बजे हम जा रहे हैं लेने के लिए। तब तक जब जाने का जो उनका एक्साइटमेंट लेवल था ना, वो लेवल आप लोग देखते रहिए जब तक हम मिलते हैं कार में। इन दिन मायके में काटना कितना मुश्किल हो गया उनके लिए, हम तो सब अपने ही घर में हैं। कितना दिन बाद आओगे? मैं तो एक हफ्ता के लिए छोड़ रहा हूँ। अरे कितना दिन के लिए जा रहे हो? पूरा एक महीना। पक्का? हाँ, मैं पिछली बार भी एक महीने के लिए गई थी। ठीक है, मैंने एक हफ्ता बोला है, अब देखते हैं। एक्साइटेड हो? बहुत। कितने दिन बाद जा रहे हो? पूरे 1 ईयर्स के बाद। पिछले साल गई थी ना? पिछले साल कैसे गए थे? रुकने, ऐसे ही जगदलपुर पूछ रहे कि रुकने का? ऐसे ही जगदलपुर, इतना दिन हो गया मिलने का। वो हम लोग 3 मार्च के गए। हाँ, तो सोचो डेट तक याद। और रुकने में अभी एक साल के बाद जा रही हूँ। 1 घंटे का रास्ता है, मात्र 100 किलोमीटर, और मैं साल भर के बाद जा रही हूँ। गजब, सही है, सीखोगा ही कुछ मुझसे। तो गाइस हम आ गए वापस कार में और हमारे साथ जा रहे हैं अतुल भी। अतुल भी हाय बोलता। हाय। फर्स्ट टाइम आ रहे हैं अपने ब्लॉग में, तो बस अभी चलते हैं बिना देरी करते हुए। मतलब अकेले देखा नहीं जाता है या कुछ दुश्मनी है पुराने जमाने की, समझ में नहीं आता ये चीज हमको। अगर आप लोग के साथ ऐसा होता है तो बताइएगा। आपके साथ भी, आप भी शादीशुदा हो? क्या बताऊं मैं, अब कुछ बोला नहीं जा सकता। वीडियो देख के अलग काली पड़ेगा। तो चलो बस आज का जो सफर है ना, वैसे ही बातें साथों में निकलते जाएगा और एंजॉयमेंट के साथ। आप लोग भी इस ब्लॉग को अगर देख रहे हैं तो पहले तो लाइक का बटन दबा दीजिए, बाकी सफर की शुरुआत करते हैं। और आप कुछ बोल रहे थे, आप बोलो कंटिन्यू। मैं ये बोल रहा था हम लोग ना कितना खुश हैं। अब मैं खुश थे हो जाएंगे। चलो कौन बोलता है संडे को बंद होने के बाद भी इतना ट्रैफिक है यार, देख रहे हो जैसे नॉर्मल है पूरा, वापस खुल गया है जैसे लॉकडाउन। मेरा होने से पहले पहुंच जाते हैं, नहीं तो ना यहाँ के रहेंगे ना वहाँ के रहेंगे, और हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। दंतेवाड़ा जगदलपुर जाना है, सबसे पहले यहाँ पे बैरियर लगता है। I just wanna feel so free, and I just wanna be me. Yeah, I just wanna go so crazy. I just wanna be a freak. Yeah, I just wanna rise to the top. Yeah, I just wanna go reach the peak. रोड देख के काफी मजा आया होगा आप लोगों को, क्योंकि अब हो गया है बाहर अंधेरा। तो अब अतुल भैया के बारे में बात करते हैं, तो इनसे दोस्ती कैसे हुई थी? एक्चुअल में हम लोग जा रहते हैं वो क्वार्टर में, ऊपर वाला जो ब्लॉक है उसमें भैया रहते हैं। पहले हम लोग दोनों किसी को कुछ नहीं जानते थे, लेकिन जब से मिले ना हमको, तब से क्या हो गया, लॉकडाउन जो था ना बढ़िया अच्छे से कट गया। वरना डेली के डेली वही वाली लाइफ जी रहे थे, सुबह से उठते थे, घर में खाना खाए, फिर सो गए। जब से भैया लोग आए तब से थोड़ा सा अच्छा लगा। टहलते हम लोग पहले भी थे, लेकिन मुश्किल से 15 मिनट आधा घंटा। जब से भैया लोग आए तब से टाइम का पता ही नहीं चलता, 12:00 बज जाता है। कोई प्लान नहीं था जगदलपुर जाने का, लेकिन भैया के साथ में बस नीदम आके घूम ही रहे थे। तो अभी नैना को कॉल आया, बोली कि मेरे को लेने आओ। मैं बोला अरे यार हद करते हो, अभी तो छोड़ के आया था कुछ दिन पहले। जिन लोगों ने वाली वीडियो देख ली होगी तो उनको पता होगा, मतलब क्या जीना नहीं देना चाहते हो कि कुछ बताना चाहते हो? अच्छा खासा थे, नहीं थे, अब जा रहे हैं लेने, तो ले के आते हैं और उनसे पूछते हैं जाते टाइम। तो बहुत मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ। इम्पोर्टेंट चीज यार मैं बताना भूल गया कि लोग बोलते हैं कि लड़का कभी ससुराल में नहीं रुक सकता है, ठीक है, लेकिन लड़की अपने घर में ही नहीं रुक सकती है, उनको अपने ही घर में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मेरे को लेने जाना पड़ रहा है। सबसे बड़ा मुद्दा की बात तो ये है, लोगों को ससुराल काटता है, उनको मायके ही काट रहा है। बस यार समझ सकते हो यार, क्या बोलूं अब मैं। समझो यार भावनाओं को, बातों में क्या रखा है। बातें तो वैसे ही आप लोग भी मना लेते हो, हम लोग भी मना लेते हैं, लेकिन आप लोगों में से किसी के साथ अगर ऐसा होता है तो एक बार जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। दर्द हम और आप मिलके बांट सकते हैं, क्योंकि हम भी शादीशुदा, आप भी शादीशुदा, और जो नहीं है वो लोग हमारी हंसी उड़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब होगी तब वीडियो को फिर उनको भी दिखा देना, ऐसे छोटा था प्रभात भैया बोला था, तब याद करोगे प्रभात भैया को।
हो गया हंसी मजाक छोड़ दो अभी, और भैया के साथ काफी दिन से हम लोग करीब कितना दिन हो गया अभी हम लोग मिले, छह सात महीना हो गया ना, छह सात महीने से हम लोग रात के टहलते ना इतनी सारी बातें, मतलब पुराने जितने भी दिन रहते थे, मैं बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं ऐसे शेयर करूं, लेकिन ना वो निकल नहीं पाता था अंदर से, लेकिन भैया के साथ में रहते रहते ना पूरा जो बचपन से लेके अभी तक के जितने कांड है ना सब के सब उगलवा दिए भैया ने। मुझे भी तो बहुत अच्छा लगा भैया के साथ। सबसे अच्छा चीज क्या है, मतलब जो जैसे हम बचपन की जो बातें रहती है वो एक्चुअल में भूल जाते हैं बड़े होते होते, लेकिन जब ऐसा कोई सिचुएशन आता है ना कि जो चीज भैया के साथ भी फेस करना पड़ा है और हमको भी फेस करना पड़ा है, तो सेम कॉम्बिनेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से ना पूरा जितने रास्ते आज तक के सब खदोड़ के भैया ने निकलवा लिए मेरे। लेकिन बचपन बढ़िया था, मैं तो बोलता हूँ, लेकिन बचपन में जो पिताजी लोग का डंडा, पिताजी लोग का बेल्ट, वो बस ना वो नहीं मिलता ना, बता रहा हूँ मैं, जन्नत था यार बचपन। लेकिन वो भी मिला है तो कभी कभार लगता है कि वो भी सही था। जितने लोग भी पेरेंट्स का अगर बात माने होंगे ना, वो लोग आज अच्छे ही लाइफ जी रहे हैं, इतना तो बोल सकता हूँ। तो बस यार समझा करो भावनाओं को, और सीरियस मत हो जाना, वरना नहीं तो आप कमेंट करके बोलने लग जाओ भाभी के लिए आप ऐसा बोले भाभी के लिए वैसा बोले। अरे यार भाभी नहीं, बीवी मेरी है, मेरे को कितना पड़ेगा यार, तो कुछ नहीं होगा। तो बस अभी कुछ नहीं करते हैं, जगदलपुर पहुंचते हैं, उनका रिएक्शन नोट करते हैं, क्योंकि जाते टाइम का जो उनका रिएक्शन था वो तो इतना, मतलब इतना खुश हो गए कि मेरे को घर छोड़ने जा रहे हैं एकदम, मतलब फिर कैसा क्या हुआ यार वहां से इधर आना पड़ रहा है, तो वो उनसे ही पूछ सकते हैं। तो बस बिना देरी करते हुए पहुंचते हैं और मिलते हैं। क्या दूंगा ये काजल घायल का कर दे मुझे, क्या कहना चाहोगे इतना महंगा पेट्रोल में। आजकल तो पेट्रोल डालने के लिए पहले सोचना पड़ता है गाड़ी चलाना। अरे मजाक हो गया, पेट्रोल का रेट तो भैया आसमान छू गया है, लेकिन ये खून पीती है, पिलाना पड़ता है। 99 है पावर और 96 है आपका वो नॉर्मल। हाँ नहीं, दंतेड़े में बीतने ही है सर, है ना, पैसा का फर्क होगा। हाँ 24 लीटर तेल आया और 2390 रुपये, बहुत महंगाई बढ़ गई है यार। फ्यूल अप करवा लिए हैं, अब यहाँ से निकल रहे हैं, और यहाँ पे सबसे मजेदार चीज क्या है, बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ का मौसम मतलब गजब ही रहता है हर टाइम का। भाई जब घर में किराने की दुकान, बाप रे क्या है, तुमको थोड़े दिन रुक जाते, क्या दिक्कत था है, तुमको क्या दिक्कत था, आना नहीं, आना भी जल्दी है जाना भी जल्दी है, वाह खाओ चलो दिया। ये घर का सबसे शैतान लड़का, मोबाइल तो छोड़ दिया करो है? अभी एक बार मेरे को गलने भी दो। क्या रे हैं, टांगरी क्यों हो गई, टांगरी क्यों हो गई, टांगरी क्यों हो गई रे, है एक गाइस। हम वापस घर पहुंच चुके हैं, और घर पहुंचे हैं तो देखो फिर से वही सामान, इतना सारा राशन वासन सब ले, इनको लेने गए थे कि राशन लेने गए थे, हमको तो वही समझ में नहीं आया। वैसे तुम क्यों, मेरे को एक चीज बताओ, तुम खुशी खुशी तो गए थे, इतना जल्दी बुलाने क्या मतलब, मतलब अब मायके में भी अच्छा नहीं लग रहा तुम, वर्ल्ड पूरी दुनिया की ऐसी पहली महिला होगी जिसको अपने खुद के घर में अच्छा नहीं लग रहा है ना, तो वही बताओ ना है, नहीं पहली बार बताओ ना, ऐसा पहली ऐसी महिला देखा जो मैं कि जिसको मायके छोड़ने के बाद भी तीसरे दिन ही फोन आ गया कि अरे ले जाओ ले जाओ ले जाओ, घर वाले क्या मार मार रहे थे, नहीं तो मत जाओ रहे थे। आ, कि तो यहाँ मत नहीं करा तो सुन आ गई। हाँ सही, आपको खुशी नहीं हो रही मैं आई तो, वो तो आप लोगों को पता है, और वीडियो जो देखेगा उसको पता चलेगा कितना खुशी है हमको, एक हफ्ते के लिए छोड़ा था यार, एक हफ्ते के लिए ठीक है अब छोड़ देंगे, लेकिन आप जहाँ दोबारा लेने नहीं जाएंगे दस दिन में। हाँ फिर अब फिर आओगी, आओगी मेरा घर, मेरी मर्जी। ज्यादा बोल रही है, यस ज्यादा बोल रही है, और धनिया पत्ती लेके जो खाना लेकर आ मेरे।
हाँ ठीक है ला रहे हैं। तो बस गाइस यही सीन था, और आप लोगों के साथ अगर ऐसा केस होता है तो एक बार जरूर बताइएगा। बाकी ठीक है, आज वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो करना कुछ नहीं है, प्यार से लाइक, प्यार से कमेंट, और अगर चैनल को सब्सक्राइब करके चल जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाली किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय बाय।